हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एल बी टेक एंड सोशल ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग टेक्नो वीडियो में हम दिखाएंगे कि यूट्यूब चैनल अगर आप नतून क्रिएट करना चाहते हो, अगर क्रिएट कर दिया है तो उसका मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक नया चैनल वालों के जो लोग नया चैनल ओपन किया है और चैनल जो नया चैनल खुलने वाला है, तो दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो अगर आप चैनल अब क्रिएट करना या चैनल में वीडियो डालना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मोबाइल और ईमेल दोनों अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप चैनल ग्रो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। वेरिफिकेशन सो फास्ट। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन कैसे करना है ये प्रोसेस देखने के लिए मैं यूट्यूब चैनल में ले जाता हूँ। तो दोस्तों, और वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा यूट्यूब वालों के लिए, नया विशेष खास करके नया यूट्यूब वालों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बोल देता हूँ कि अगर मेरे चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों, और घंटी को एक बार दबा देना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ोन पे मिलता रहे। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पहले आप अपने यूट्यूब चैनल पर साइन अप हो जाओ। तो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे साइन अप होना चाहते हो तो डेफिनेटली गूगल क्रोम को ओपन करना, अदरवाइज किसी भी ब्राउज़र से ओपन मत करना। तो दोस्तों, डैशबोर्ड पे चला जाओ। अपने डैशबोर्ड में जाकर दोस्तों, आप देखो अपने चैनल का नाम उधर आ जाएगा और लेफ्ट साइड में बहुत ही सेटिंग्स है, उसमें से कस्टमाइज को चूज़ करो। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन के अलावा और मैं और दो चार भी सेटिंग्स के बारे में बातचीत करूँगा। तो दोस्तों, कस्टमाइज में देखो दोस्तों, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेआउट बेसिक इन्फॉर्मेशन में दोस्तों, आपके चैनल के यूआरएल क्रिएट हुआ कि नहीं, यार यूआरएल क्रिएट हुआ है तो यूआरएल कैसे है, ठीक है दोस्तों। और ब्रांडिंग में देखो दोस्तों, अगर आपको आप कवर फोटो आपने कैसे डाला है उस कवर फोटो को आप देख पाओगे। और उसके बाद चलो सेटिंग्स में क्लिक करो दोस्तों। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों, इधर डॉलर साइन आ जाएगा, उसके बाद चैनल सेटिंग्स में पहले जनरल, उसके बाद चैनल। तो दोस्तों, चैनल में भी दो चार सेटिंग्स है, उसके बाद एलिजिबल फीचर्स एलिजिबिलिटी। दोस्तों, फीचर एलिजिबिलिटी में जो दो नंबर ऑप्शन है, हम दो नंबर को चूज़ करेंगे। दोनों पहले वाला तो पहले से ही एनाबल है और दो जो दो ऑप्शन बाकी है वो एनाबल नहीं है। तो दोस्तों, उसमें से दो नंबर जो है, तो दोस्तों पहले तीन नंबर वाला जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन को पहले इस तरह, अभी नया चैनल वालों के लिए नहीं है इसलिए उसे एनाबल बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो दोस्तों, नंबर टू में जो इंटरमीडिएट जो फीचर्स है, वो इंटरमीडिएट फीचर्स के अंदर ही मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन रहते हैं। तो दोस्तों, उसे क्लिक करो। तो दोस्तों देखो, इधर वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ आप क्लिक करो और अपने मोबाइल नंबर डालो, ठीक है दोस्तों। अगर वहाँ क्लिक कर दिया तो जो मोबाइल वेरिफिकेशन विंडो जो पॉप अप जो विंडो ओपन हो गया, देखो दोस्तों उधर पहले से कंट्री सिलेक्ट किया हुआ है और जो मोबाइल नंबर, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, तो दोस्तों अपने मोबाइल नंबर वहाँ डालो और मोबाइल नंबर में 6 अंकों का एक OTP जाएगा। वो OTP वेरिफिकेशन करके आप अपने मोबाइल वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले अपने मोबाइल नंबर पर इधर डाल देता हूँ और गेट कोड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं अपने मोबाइल नंबर इधर डाल देता हूँ, आप लोग भी अपने मोबाइल नंबर वहाँ डाल देना। तो दोस्तों, उसके बाद गेट कोड। तो दोस्तों, मैं अपने गेट कोड में, मैं अपने मोबाइल से कोड को ले लेता हूँ और कोड को इधर डाल देता हूँ। तो दोस्तों, इधर कोड जब हम टाइप करेंगे तो सबमिट बटन वाला वो एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपने कोड को ले लिया और कोड को मैं इधर डाल देता हूँ। तो दोस्तों, एक मिनट रुको, मैं फोन मोबाइल नंबर ओपन करके 6 डिजिट, एक मिनट। हाँ दोस्तों, कोड आ गया। तो दोस्तों देखो, मैं इधर टाइप कर रहा हूँ मेरा जो वेरिफिकेशन कोड, और उसके बाद इधर सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, सबमिट बटन पर क्लिक कर देने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाइड ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन योर मोबाइल फ़ोन। तो दोस्तों, ये सक्सेस हो गया। तो दोस्तों, आप बहुत सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, पहले वाला ऑप्शन एनाबल था, दूसरा ऑप्शन भी एनाबल हो गया, अब थर्ड ऑप्शन एनाबल नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि थर्ड ऑप्शन एनाबल करने के लिए दोस्तों कुछ क्राइटेरिया आपको फिलअप करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप फुल्ली वीडियो ब्लॉगर देन 15 मिनट के ऊपर अगर आप वीडियो डालना चाहते हो तो इसका जरूर काम जरूरी है। कस्टम थंबनेल इसमें हम कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग अगर चाहते हो तो इसको एनाबल करना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, फिलहाल आप नया यूट्यूबर हो तो इस थर्ड ऑप्शन को आप
बाद में करोगे। और दोस्तों उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन, दो चार ऑप्शन में अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी इस चैनल में सब कुछ अभी एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि ये चैनल मेरा एकदम नया है। दोस्तों इस LB गेमिंग स्टूडियो, ये मेरा नया चैनल है। दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल में अगर बिगिनर गेमर से एकदम एक्सपर्ट गेमर तक सब वीडियो इसमें आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। और मेरा LB टेक्नो एंड सोशल ब्लॉग चैनल के पास पास इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। और ये सब एडवांस फीचर्स अभी आप लोग नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। एडवांस फीचर्स के लिए आप और एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।